श्लोक है, देखिए अद्भुत श्लोक पद्म पुराण से है, नाम महिमा बहुत अद्भुत। क्या कहते हैं? सर्व धर्मो जिता विष्णु नाम मात्रे का जल्प का। क्या कह रहे हैं? कि उसने सारे धर्मों को छोड़ दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सर्व धर्म जिता विष्णु, सर्व सब धर्म को छोड़ दिया है, विष्णु नाम मात्रे का जल्प का, और उसने केवल और केवल मात्र नाम मात्र का ही आश्रय, केवल नाम। इसलिए क्या कहते हैं? केवल नाम। इसलिए सुखेन याम गतिम यान्ति नताम सर्वे अपि। क्या कह रहे? सुखेन याम गतिम यान्ति, जिसने सर्वधर्म जिता विष्णु, उसने सारे चीजों को छोड़ दिया है, केवल उसने भगवान विष्णु के नाम का ही आश्रय लिया है, तो वह व्यक्ति बड़े सुख से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। न ताम सर्वे अपि धर्म कहा, और सारे लोग जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं और सारा धर्म कर रहा है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं करता है, कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। अद्भुत श्लोक है ना, बहुत अद्भुत। जो सभी धर्मों को त्याग कर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वे सुख से अपनी गति को प्राप्त करते हैं, परंतु अन्य जो सभी धर्मों का पालन करते हैं, वे इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते। है ना, बहुत अद्भुत श्लोक है। आप लोग एकदम इस श्लोक को याद कर लीजिए। सर्वे धर्म जिता विष्णु नाम मात्रे कह जल्प का, सुखे न याम गतिम यान्ति न ताम सर्वे अपि धर्म कहा। नाम जप नहीं कर रहा है ना, तो महाराज कहते हैं वो व्यक्ति ऐसे ही है जैसे कोई गंगा जी के किनारे खड़ा है और प्यासे मर गया। है ना, बहुत अद्भुत। बड़े योग से, बड़े मनोयोग से मेरी नाम जप कर, बहुत प्रेम से, बहुत भावपूर्वक, है ना, ध्यान देकर के जप कर। शुरुआत में ध्यान नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, नाम जप तो करो, है ना, समझ रहे हैं? नाम जप तो करो, बाद बाकी भगवान धीरे धीरे खुद मन को लग। अभी आप शारीरिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे कम से कम जिह्वा को तो लगाओ, जिह्वा लगेगा, धीरे 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 मन के स्तर पे जाएंगे, मन भी लगेगा, है ना। और भगवान का नाम जो है वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं करता, वस्तु शक्ति जो है स्वभाव की अपेक्षा नहीं करता। जैसे कोई बच्चा बिना जाने हुए भी आग को छुएगा और कोई जानकर भी छुएगा तो आग का कार्य है जलाना, वैसे ही हरिनाम का कार्य है, हरे कृष्ण महामंत्र का कार्य है हमारे पापों को नाश करना और हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराना, भगवान की प्राप्ति कराना, तो वह करेगा, करेगा।